मूवी स्टार्ट होते ही हमें बाप और बेटा दिखाया जाता है जो उस वक्त बोट में बैठे होते हैं और एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं। उनमें से बेटा टॉयलेट करने किनारे पर जाता है और जब वो वापिस आता है तो वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके फादर को मार डाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, कुछ कर पाता, कोई पीछे से आकर सिर्फ हाथों से ही उसके दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में आया था। रिसेंटली उसकी 7 साल की फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था और उसको भुलाने की वजह से वो उस फेस्टिवल में आया था। लेकिन उस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा लड़कियां थी जिन्हें देखकर उसे उसकी और भी ज्यादा याद आ रही थी। वहां पर उसने किसी से हॉन्टेड स्वैंप टूर के बारे में सुना था और वो वहां पर जाने का प्लान बनाता है। और उसकी बाकी फ्रेंड्स में मार्कस जो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं जहां पर ये टूर्स करवाए जाते थे। वहां का ऑनर उन्हें बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाई जाती जिसकी वजह ये है कि वहां जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बता देता है जो ये टूर अभी भी करवा रही थी। एड्रेस लेने के बाद वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं और वहां वो एक लड़के एंड्रयू से मिलते हैं जो ये टूर करवाता था और वहीं पर दो मॉडल्स भी होती हैं। वो दोनों अपने डायरेक्टर डग के साथ इस टूर पर जा रही थी। टिकट्स लेने के बाद वो दोनों टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर और भी लोग होते हैं जो कि उस टूर पर जा रहे थे। एंड्रयूस बस को ड्राइव करके सौंप तक ले जाता है और वहां जाकर वो सब लोग बोट में बैठ जाते हैं। एंड्रयू बोट स्टार्ट कर उन्हें वहां से ले जाने ही लगता है कि कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिल्ला चिल्लाकर वहां जाने से मना करता है। लेकिन वो लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें उस सौंप का टूर करवा रहा था और क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर था तो वो साथ साथ उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था। सौंप के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है। एंड्रयू उन्हें बताता है कि ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड रिक्टर क्राउली का है। वो बताता है कि क्राउली बहुत ही ज्यादा बदसूरत था जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद ही उसे एक हैचेट की मदद से मार डाला था और आज भी क्राउली अपने डैड के लिए अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है। तब मैरीबेथ कहती है कि ये घर और वो कहानी जो वो सुना रहा था दोनों ही फेक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनकी बोट काफी बड़े बड़े पत्थरों में फंस जाती है। वो सब लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक बारिश आना शुरू हो जाती है और उन लोगों की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बोट वहां से नहीं हिलती और कुछ देर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगती है। वो लोग वहां पर फंस चुके थे। फिर जिम एक दरख्त पर चढ़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और एक एलिगेटर उसका पाँव पकड़ लेता है। वो हेल्प के लिए काफी चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तब मैरीबेथ एक गन निकालती है और उससे उस एलिगेटर को शूट कर देती है। फिर वो एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग उस मुसीबत में बुरी तरह फंस चुके थे। इसलिए वो एंड्रयू से इस बात का जवाब मांगते हैं और यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है। वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसके भाई ने ही उसे यहाँ भेजा है और ये उसका दूसरा टूर है। वो ये भी कहता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन दूसरा टूर ये था जिसमें वो फंस चुके थे। बात को टालने के लिए वो मैरीबेथ से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने आई है। 2 रात पहले ही उसके फादर और उसका एक भाई यहाँ पर एलिगेटर्स को पकड़ने आए थे और वो घर वापिस नहीं आए तो वो उन्हें यहाँ ढूंढने आई है और वो दोनों वही थे जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता और वो सब वही रुकना चाहते हैं। और वो कहती है कि ये विक्टर क्राउली का जंगल है और तब वो उनके सामने उसकी असल स्टोरी को नरेट करती है। विक्टर क्राउली बचपन से ही काफी बदसूरत था और इसी वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर घर में ही रखते थे। वो उसका इकलौता बच्चा था तभी वो उससे बदसूरत होने की वजह से भी प्यार करता था। बाकी बच्चे विक्टर को काफी डराते थे और उसका मजाक भी बनाते थे और यही वजह थी वो दोनों सिटी से दूर इस जंगल में रहा करती थी। और एक दिन हेलोवीन की रात जब विक्टर का फादर घर नहीं था तब कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहर से उसको काफी परेशान कर रहे होते हैं। वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए। लेकिन उन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर क्राउली अंदर ही फंस जाता है। और इतनी ही देर में विक्टर के फादर वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसके फादर
डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तब उसके फादर एक हैचेट लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे की दूसरी साइड पर विक्टर खड़ा हुआ है। दरवाजा तोड़ते हुए वो हैचेट सीधा जाकर विक्टर के सर में लगता है और मौके पर ही वो मर जाता है। अब अपने बेटे की डेथ की वजह से उसे खो देने के बाद उसके फादर को बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो 10 साल अपने घर में ही रहे और एक दिन वो भी मर गए। और बस उसी ही दिन से विक्टर क्राउली अपने फादर को उस जंगल में ढूंढता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है। ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद भी कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये कह रही थी कि हम विक्टर क्राउली के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तब मैरी बेथ कहती है कि वो क्राउली का असली घर नहीं था और वो उन्हें उसका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें क्राउली का घर पार करना पड़ेगा। चलते चलते उन्हें एक बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती और कोई भी उस घर की तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिम की हालत काफी खराब हो रही थी। तब शैनन अकेले ही उसको लेकर घर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचते हैं विक्टर क्राउली निकलकर घर से बाहर आता है और हैचेट से बुरी तरह मार मार कर जिम के दो टुकड़े कर देता है। और तभी शैनन वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन विक्टर क्राउली उससे भी पकड़कर बुरी तरह मार देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। उसे देखकर बाकी सब तो भाग जाते हैं लेकिन मैरी बेथ उसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्टर क्राउली उसकी तरफ बढ़ता है वो उस पर गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देती है और वो भी वहां से भाग जाती है। वो सब फिर से मिल जाते हैं लेकिन उनके दरमियान डग नहीं था। और दूसरी तरफ हमें डग दिखाया जाता है जो अकेला ही भाग रहा था और भागते भागते वो विक्टर से टकरा जाता है और विक्टर क्राउली गर्दन मरोड़ कर उसे भी मार डालता है। उधर दूसरी तरफ वो सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घूम फिर कर वो फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब मैरी बेथ कुछ हथियार ढूंढने उस घर में जाती है और उसके साथ बेन भी जाता है और वहीं पर मैरी बेथ को उसके फादर और भाई की डेड बॉडी मिल जाती है जिन्हें देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है। इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ उन लोगों को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है। तब मार्कस चेक करता है तो वो किसी जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा होता है और तब वो बेफिक्र हो जाते हैं। तभी विक्टर क्राउली वहां आकर मॉडल जेना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सैंडर मशीन को उसके मुंह पर चला देता है। उसे देखकर मैरी बेथ का बहुत खून खोलता है। वो अपने कंट्रोल से बाहर होकर उस पर अटैक कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर बेन मैरी बेथ को खींच कर वहां से ले जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंड्रियो विक्टर क्राउली को मारने लगता है लेकिन क्राउली बड़ी बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। जैना में अभी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी लेकिन विक्टर क्राउली उसे मजीद जिंदा रहने का कोई मौका नहीं देता और वो उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। अब तक उन सबको पता चल चुका था कि वो यहां से बचकर नहीं जा सकते और इसीलिए वो क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तब बेन बताता है कि उसने क्राउली के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो लोग उसे जलाकर मार सकते हैं और फिर वो सब उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरी बेथ विक्टर क्राउली का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन वहां पर फ्यूल ढूंढता है और दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। बेन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है लेकिन तभी मिस्टी की बॉडी के पार्ट्स उस पर आकर गिरते हैं और तब वो देखता है कि क्राउली भी उसके सामने आ चुका है। क्राउली अभी उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन मैरी बेथ पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दौरान बेन उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और वो वहां पर आग लगा देते हैं और विक्टर क्राउली जलने लगता है। और यहां पर उन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है या हम ये कह सकते हैं कि किस्मत विक्टर क्राउली का कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी। और तभी वहां पर बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से सारी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो लोग अब अपना अंजाम जान चुके थे और वो वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है लेकिन बदकिस्मती से सामने से क्राउली आ जाता है। वो लोग जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं लेकिन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह जकड़ के उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी अपसेट तो हो जाता है लेकिन अफसोस ये कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब मैरी बेथ उसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। तब क्राउली
गेट का सरिया निकालकर उन लोगों की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर बेन के पाँव में लग जाता है। और अब वो लोग अपनी मौत के बिल्कुल सामने थे। क्राउली भागकर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी करता है। वो सरिया निकालने की बजाय विक्टर क्राउली की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा जाकर उसके अंदर घुस जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल कर आगे बढ़ते हैं, तब मैरी बेथ को उसके फादर की बोट मिल जाती है। वो दोनों बोट में बैठ कर वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो लोग क्राउली से बच गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बड़े आराम सुकून से वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी विक्टर क्राउली मैरी बेथ को पानी में खींच लेता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और तभी उसे पानी में बेन का हाथ नजर आता है। तब वो उसका हाथ पकड़ कर पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि क्राउली ने बेन का हाथ काट कर खुद पकड़ रखा था और वो लोग काफी मुश्किल में थे। क्राउली अब उसे भी पकड़ लेता है, जिस पर मैरी बेथ काफी चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।